हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे यार। तो मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि अभी अपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो के अंदर यार हम बात करेंगे कि जो अपना जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे जो गांव है उनकी ज़मीन है वो अभी ली जाएगी। तो सारा इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि कौन कौन से गांव वगैरह जिनकी ज़मीन ली जाएगी और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बारे में भी अपडेट वगैरह आपको देखने को मिलेगी। तो यार इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखना, और अगर इस वीडियो से आपसे इन्फॉर्मेशन मिले तो इसको शेयर जरूर कर देना। और मैं आपसे इस पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना, वीडियो चली गई हो लाइक जरूर करना। तो चलिए फिर अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि मैं अपना चैनल के ऊपर इंडिया से रिलेटेड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, अपकमिंग प्रोजेक्ट और जैसे गाँव की न्यूज़ होगी, जो ज़मीन वगैरह लेने वाले हैं, तो सारा आपको टोटल बात मिला की है कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए फिर अभी मैं आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आगे वो करता हूँ कि कैसे क्या है, आपको आउटडोर में बात करता हूँ, अपना ओपिनियन वगैरह आप सभी के साथ जो है वो शेयर करता हूँ। तो पहले जो हो न्यूज़ वगैरह देखिए आप, फिर उसके बाद मिलता हूँ मैं। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर तो कौन सी क्या अपडेट अपनी जो जेवर एयरपोर्ट है उससे रिलेटेड, तो हम वो डिस्कस करते हैं। तो मैं गैलरी ओपन करता हूँ और यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जेवर एयरपोर्ट के तीसरे चौथे चरण के लिए इन जो है वो 14 गांवों की ज़मीन जो है वो अधिग्रहित जो है वो की जाएगी। तो कौन कौन से गाँव हैं वो हम आपको बताऊँगा, और जो ज़मीन है वो ली जाएगी अभी। तो जो अपना जेवर एयरपोर्ट है यहाँ पर आगे देखिए, जेवर में बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तीसरे और चौथे चरण के निर्माण के लिए 14 गांवों की ज़मीन अधिग्रहित की जाएगी। ज़मीन अधिग्रहण का प्रस्ताव मंजूरी के लिए जिला प्रशासन को जो है वो भेज दिया गया है यार। तो काफ़ी अच्छी बात है, प्रस्ताव वगैरह जो है वो भेज दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर में बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तीसरे और चौथे चरण के निर्माण के लिए 14 गांवों की ज़मीन अधिग्रहित की जाएगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यमुना उद्योग विकास प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण का जो प्रस्ताव मंजूरी के लिए प्रशासन को जो है भेज दिया है। देखिए, यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार इसी सप्ताह उस जमीन के अधिग्रहण के लिए जो राशि खर्च होनी है उसका 10% हिस्सा जिला प्रशासन को दे दिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण की 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण शुरू जो वो कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी जो कार्यकारी हैं अधिकारी डॉक्टर अरुण सिंह ने बताया कि हवाई अड्डे परियोजनाओं को लेकर प्राधिकरण के 14 गांवों की जो ज़मीन है वो प्रशासन को प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 1334 हेक्टेयर, दूसरे चरण में 1365 हेक्टेयर और तीसरे चरण में 1318 और चौथे चरण में 735 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित जो है वो की जाएगी। तो यहाँ पर अपनी की जाएगी ज़मीन। अब यहाँ पर देखिए, सीईओ ने बताया कि 14 गांवों के 2053 हेक्टेयर ज़मीन ली जानी है, जिसमें दयानपुर, बाकापुरी, पारोही और रोही, किशोरपुर, मुकीपुर, सिवारा, साबोता और मुस्ताफाद, किशोरपुर, रामनेर, बनवारीबास, ख्वाजपुर, थोरा, निमका और शाहजपुर, जेवर, बागरा और अहमदपुर गांव जो है वो शामिल है। तो ये गांव है ना, गांव के नाम मैंने बता दिए कि ये अपने जो गांव है वो शामिल है इसके अंदर, आप अपने गांव का नाम देख सकते हो। तो यार इनकी जो किस्मत खुलने वाली है जिनके भी ये गांव के नाम है, तो काफ़ी अच्छी बात है यार। यहाँ पे देखिए, उन्होंने बताया कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के चारों चरणों के लिए कुल 4752 हेक्टेयर ज़मीन की ज़रूरत होगी। सिंह के मुताबिक अब तक 6 गांवों को विस्थापित करने की प्रक्रिया जो पूरी हो चुकी है, जबकि 6 अन्य गांवों को विस्थापित और अधिग्रहण के लिए प्रक्रिया जो चल रही है। उन्होंने बताया कि तीसरे और चौथे चरण के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मंडल से पहले ही 14 गांवों की जो विस्थापना और ज़मीन अधिग्रहण की मंजूरी जो वो मिल चुकी है। तो यार काफ़ी अच्छी बात है। तो ये मेन अपडेट थी कि अपने जो गांव के नाम है मैंने बता दिए और ज़मीन वगैरह लेंगे तो काफ़ी अच्छी है। बाकी आपको मैं आउटडोर में मिलता हूँ।
आई होप आपने जो है वो न्यूज़ वगैरह देख ली होगी, ये अपनी अपडेट वगैरह देख ली होगी कि उसमें ना गांव वगैरह हैं और जो उनकी ज़मीन है वो अधिग्रहित यानी उस ली जाएगी। तो यार जितने भी गांव हैं उनकी जो ज़मीन है उनका तो यार काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि डेट है ना सही मिलेगा आप सभी को और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में हो गया तो गाँव की किस्मत भी वैसे ही खुल गई यार, ज़मीन के रेट वैसे भी बढ़ने। तो अगेन आपके कुछ डाउट वगैरह हो तो कमेंट जरूर कर देना, और बाकी आप सजेशन दे सकते हो कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो लाऊं। और यार काफ़ी दिन हो गए सब्सक्राइब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो इसको शेयर जरूर करो यार और सब्सक्राइब जरूर करो, अपने फैला दो सब जब पूरे इंडिया में फैला दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगेन वीडियो देखने के लिए अगेन थैंक यू सो मच। जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं उस दिन है शायद मंडे, नेक्स्ट वीडियो हमारी वेडनेसडे को सुबह 7 बजे आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।